हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु। मैं आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं रघुनाथ और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पार्ट थ्री का जो प्रोग्राम है और सेंटर लिस्ट है सभी इसमें आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं पार्ट थ्री, ठीक है, पार्ट थ्री का सेंटर और प्रोग्राम, यानी कि सेंटर भी इसी में होगा और प्रोग्राम भी इसी में होगा। ठीक है, सेंटर लिस्ट और प्रोग्राम दोनों इसी वीडियो में होगा, तो आप देखिए इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिए और आपको एक बार भी स्किप नहीं कीजिए ताकि आप देख सकते हैं कि उसमें प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट कहाँ कहाँ है वो देख सकते हैं आप। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो देखिए ये रहा आपका सेंटर लिस्ट। ठीक है, ताकि आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे सी एम साइंस कॉलेज का देखिए, उसमें जो सेंटर पड़ा है ये तीनों कॉलेज का, चार कॉलेज का पड़ा है सेंटर। ठीक है, ये चारों कॉलेज जो दिख रहे हैं आप, इस चारों कॉलेज का सेंटर पड़ा है। जैसे एम आर एम कॉलेज दरभंगा है, ये सारे दरभंगा का कॉलेज का दरभंगा में ही पड़ा है। और यहाँ पे फिर DAD कॉलेज जेल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब सेंटर पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं एन झा कॉलेज महिला, और यहाँ पे MKS कॉलेज, ये सब कॉलेज का पढ़ा सेंटर। फिर यहाँ पे सीएम साइंस में जो पढ़ा है, एक और है सीएम कॉलेज है। ठीक है, ये सीएम साइंस कॉलेज है, और यहाँ पे सीएम है कॉलेज जिसमें पढ़ा है आपको मरवाड़ी कॉलेज का पढ़ा सेंटर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं KS कॉलेज का पढ़ा है, और रिमेनिंग अदर कॉलेज दरभंगा का जितना है डिस्ट्रिक्ट का वो सबका पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मरवाड़ी कॉलेज में जो पढ़ा है सेंटर, ये आप देख सकते हैं इतना पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए मरवाड़ी कॉलेज में ये सब का पड़ा है, यानी कि MK कॉलेज और LCS कॉलेज का। फिर यहाँ पे देखिए MLS इसमें कॉलेज में जो पड़ा है, इस तरीके से यहाँ सेंटर दिया हुआ है। इस साइड जो है आपका, कि मतलब इस साइड जो आपको दिखाई दे देगा कौन सा कॉलेज का सेंटर पड़ा है, ये इस कॉलेज में पड़ा है, इस साइड वाला कॉलेज में पड़ा है। ठीक है, बाकी सबको आपको इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत सारा है सेंटर जो कि मैं बताने लगूँ तो आपको आधा घंटा समझाने में लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे देख रहे समस्तीपुर कॉलेज है, इस सबको बढ़िया से आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे जो भी कॉलेज है आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लें, और ये देख सकते हैं यहाँ पे 29 जनवरी को ही ये मतलब प्रोग्राम निकाला गया है। ठीक है, और ये मैं 30 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका ये प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप ए में जो है, ए ग्रुप में क्या दिया है कि कॉमर्स दिया है, बॉटनी दिया है, म्यूजिक दिया है, ड्रामेटिक दिया है। और फिर यहाँ पे ग्रुप बी में दिया है कि हिस्ट्री है, AIH, फिर यहाँ पे LSW और फिर फिलोसफी है। फिर यहाँ पे ग्रुप सी में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथिली, पर्शियन और फिर केमिस्ट्री। फिर यहाँ पे साइकोलॉजी, फिजिक्स और यहाँ पे इकोनॉमिक्स, उर्दू, फिर जूलॉजी है, फिर इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप ई में है, और फिर साइंस है, फिर यहाँ पे साइंस सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद ग्रुप एफ में दिया है मैथमेटिक्स, संस्कृत और हिंदी और होम साइंस और एंथ्रोपोलॉजी है। इस तरह से आप देख लीजिए प्रोग्राम, आपको ये ग्रुप आपको देखना है, और ग्रुप देखने के बाद आप देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम है वो आपको कब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे 5 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, देखिए ग्रुप ए का एग्ज़ाम जो होगा 5 मार्च को होगा। ठीक है, तो इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 मार्च को देख रहे हैं, 6 मार्च को ग्रुप सी का एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटी में, और सेकेंड सिटी में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और 5 मार्च को आपको जहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड सिटी में बी ग्रुप का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम इसी में है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 मार्च को भी ग्रुप ई का है, 5वां पेपर ही है, और यहाँ पर ग्रुप एफ का भी 5वां पेपर है। तो 5वां पेपर पहले होता है, तब 6ठा होगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ पार्ट थ्री में जो होता है एग्ज़ाम, वो पार्ट थ्री में आपको जो ऑनर्स करते हैं उसी का 400 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं तो मैथमेटिक्स में ही 400 का पूछेगा, यानी कि इसमें आपको हर क्वेश्चन तो
तीन गो सब्जेक्ट जो है ऐसा जो 90-90 पूछेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब आपको ऑप्शनल पेपर होता है वो, जो कि आपको 70 मार्क का पूछता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है सब जगह, जैसे कि साइकोलॉजी आप अनाउंस करेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी या ज्योग्राफी, जैसे प्रैक्टिकल वाला जो आप करेंगे प्रैक्टिकल वाला, जैसे आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो फिजिक्स ऑनर्स में क्या है कि आपको 3 ठो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 3 ठो एग्ज़ाम होगा, और ये उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम जो होता है चौथा, वो चौथा होता है आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को तीन ही एग्ज़ाम को अटेंड करना पड़ेगा, 3 एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ेगा, और बाकी जो एग्ज़ाम होगा वो नहीं करना देना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल हो जाता है एक ठो, ठीक। क्योंकि तीनों पेपर का मिला के, वैसे 4 पेपर मिला के आपको एक प्रैक्टिकल बन जाता है 100 मार्क का, ठीक है। 25 मार्क का होता है फिजिक्स में प्रैक्टिकल, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, अब 9 मार्च को ग्रुप, यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 मार्च को होगा आपका ग्रुप ए का 6ठा पेपर, और यहाँ पे सेकंड सिटिंग में ग्रुप बी का, और फिर यहाँ पे 9 तारीख को देख रहे हैं कि ग्रुप सी का होगा, और फिर यहाँ पे सेकंड सिटिंग में ग्रुप डी का होगा, और फिर यहाँ पे 11 तारीख को देख रहे हैं कि यहाँ पे ई ग्रुप का होगा, फिर यहाँ पे एफ ग्रुप का होगा, फिर यहाँ पे 12 तारीख को होगा ग्रुप ए का, फिर यहाँ पे ग्रुप बी का, फिर यहाँ पे 13 मार्च को देख रहे हैं, 13 मार्च को आपको इस तरह से दिया हुआ है सब ग्रुप सी और ग्रुप डी का सेकंड में, अब 14 मार्च को दिया है ग्रुप ई और ग्रुप एफ का, फिर यहाँ पे 18 मार्च को है, 15 को नहीं है, 16 का भी नहीं है, 17 का भी नहीं है, 18 का है इसके बाद। तो यहाँ पे बी पेपर है, यानी सेट मतलब पेपर तो 8वां है, और यहाँ पे सेकंड सिटिंग में बी ग्रुप का है, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं 26 मार्च को यहाँ पे क्या लिया है, ये ग्रुप सी का है और यहाँ पे ग्रुप डी का है जितना, और फिर यहाँ पे 27 मार्च 2019 को यानी कि ग्रुप ई का, और फिर यहाँ पे ग्रुप एफ का है, फिर यहाँ 28 मार्च को देख रहे हैं कि GES, जैसे कि 100 नंबर का GES होता है, और उसमें 50 GES, ठीक है, यहाँ पे GES बोलेंगे, ऐसे बोलें GES, और प्लस में उसी में रहता है जनरल साइंस हो गया, ठीक है, जनरल इन्वायरमेंट साइंस हो गया, और इसी में होता है कि आपका, हाँ जी यस, इसी में हो गया जो 100 मार्क्स का पूछेगा आपको, तो पूरा 100 मार्क्स का रहता है, जो कि आपको पास मार्क होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, GS कोर्स इसमें दिया है सब के लिए होगा, इसमें आपको दिया है क्या चीज़, साइंस कॉमर्स वाला का है आपको, 28 मार्च को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी ई और एफ, ये तीनों ग्रुप का है, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये GS होगा किस में ग्रुप का, ABC, और यहाँ पे ABC ग्रुप का होगा, लेकिन यहाँ पे साइंस कॉमर्स वाला का ही होगा, और यहाँ पे भी देख रहे हैं जो साइंस कॉमर्स वाला का है जो सेकेंड सिटिंग में है, ये ठीक है, डेट बढ़िया दिया है कि ABC का जो होगा ग्रुप का जो एग्ज़ाम GS का, वो होगा आपको फर्स्ट सिटिंग में, और यहाँ पे सेकेंड सिटिंग में होगा CDEF को, मतलब DEF को, सी तक यहीं पे है। और फिर यहाँ पे देखिए GS जो होगा वो आपको आर्ट वाला का जो होगा वो अलग से लिया जाएगा, और ग्रुप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे A एंड B दिया है इसमें, ठीक है, ए एंड बी का मतलब आर्ट वाले को 29 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में, और CD को होगा सेकेंड सिटिंग में, और लास्ट बच जाता है एगो जो EF को होगा लास्ट, यानी कि आर्ट वाले के लिए ही होगा लास्ट में जो 30 मार्च को होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ऐसा रहेगा, और हमारा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, तो ज़रूर कीजिए लाइक, और दोस्तों का शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों।